जस्यास्ति भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन सतो धावतो बहिः। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं, दो दिन के लिए हम ये जगत में आए हैं। यहाँ ईंट पत्थर का मिस्त्री बनना हमारा काम नहीं। दो दिन का जिंदगी मिला है, कब चले जाए छूट जाए कोई ठीक नहीं है। ईंट पत्थर का मिस्त्री बने इसके लिए हम लोग की जगत में आए नहीं, हरि भजन के लिए आए हैं। जो माने या ना माने सबको के लिए व्यवस्था एक ही है, अर्थात हरि भजन छोड़ के दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। भजन क्यों नहीं होता है? बहुत जाएगा मेरे को बड़ा बड़ा सोसाइटी में, बहुत दिन से मठ में बास किए 30-40 साल, प्रश्न रखते हैं महाराज भजन क्यों नहीं होते हैं? उसका जवाब देना पड़ता, आज से 7-8 साल पहले पहला वैशाख का दिन चंडीगढ़ मठ की जो संरक्षक है निष्किंचन महाराज जी का आदेश पालन करते हुए रोपड़ में ये सब चर्चा हुआ था, याद हो गया। यहाँ भी थोड़ा इस चर्चा को रखे तो इसमें बड़ा भारी सुविधा होगा। इसमें दो पॉइंट है, एक हमारा तरफ से भजन नहीं करने का इच्छा, भजन में आए हैं भजन समझे नहीं, ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है जिन लोगों ने मेरे को भजन में नियोजित करने के लिए जुमा लिया है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है। अगर भजन करने वाले का बड़ा इच्छा है हम भजन करके ही रहेंगे, दूसरा कोई मकसद हमारा नहीं है, और जिसका अनुगत कर रहे हैं उसका भी भावना एक ही है भजन करूं, दूसरा कोई मकसद नहीं है, उसमें कोई उल्टा भाव उल्टा हो नहीं सकता। काल भी इस बारे में चर्चा किया था, जब तत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते क्रम कथा विघात निशव्यमानम अनुदीनम मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। बस तब ये श्लोकों का सब व्याख्या करे तो समझ में आता है। प्रचार कैसे चल रहा है? प्रचार के द्वारा ही जड़ जगत का आदमी आकर्षित होते रहेंगे, होते आ रहे हैं। संत महात्मा का ऊंचा आचरण ऊंचा आदर्श, परम पूज्यवाद श्री केशव गोस्वामी महाराज बार बार बोलते थे, अगर किसी ने संत महात्मा का अंदर ऊंचा आदर्श देखे नहीं, उसका अभाव देखे, तो कभी भी वो भजन नहीं कर सकता। बद्ध जीव का स्वभाव है, दुबला है, एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तने। बद्ध जीव स्वाभाविक दुर्बल है, एक और माया का खिंचावट है। दूसरा चीज है गुरु वैष्णव ने बोलते हैं भजन करो, अब कहाँ जाए? परम पूज्यवत केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे, जब तक ऊंचा बड़ा ऊंचा आदर्श नहीं देखे
बद्ध जीव भजन नहीं कर सकते। जाज्जल्यमान सूर्य जैसा आदर्श तेज, उसका आदर्श देखे तो उसका मन में धक्का आएगा, कपटता करे, वैष्णव अपराध करे तो डूब जाएगा। वो जितना भी पैसा वाला हो, कुछ भी हो, उसका बात छोड़ो, हम उसका क्वेश्चन ही हम उठाएंगे, भजन में डूबेगा, भजन कर नहीं सकता। एक उदाहरण दे दे, गौड़िया मठ का प्रचार आदर्श थोड़ा चर्चा करके भजन क्यों नहीं हो रहा है, इसका उत्तर हम देंगे। प्रचार पार्टी गए हैं, सिलक केशव गोस्वामी आदेश किए, जाओ वहां प्रचार करके आओ। प्रचार करके आए हैं, उसमें इनके जाने माने शिष्य भी हैं, नाम कहने का दरकार नहीं है, क्योंकि विषय वस्तु बड़ा चीज है, सिद्धांत तो बड़ा चीज है। महाराज जी के पास, गुरु जी के पास प्रचार करके आने का बाद गुरु जी के पास आए पहले, और लंबा दंडवत किए और बोले गुरु जी प्रचार करके आए हैं। गुरु जी बोले कैसा प्रचार हुआ? अरे महाराज मत पूछो, ऐसा सुंदर प्रचार हुआ कि चारों ओर आदमी झूमने लगे एकदम, और सब आदमी भले ऐसा प्रचार होना चाहिए, आना चाहिए हमारा पास, आओ। दोबारा नौता भी दिया है। शिला परम पूज्य केशव गोस्वामी गंभीर होके बोले, तुम्हारा प्रचार हुआ नहीं। नहीं गुरुजी, बहुत सुंदर प्रचार हुआ, सारे आदमी नाचने लगे। और बोले महाराज आना। शिला केशव गोस्वामी दोबारा बोले, आपका प्रचार हुआ नहीं। क्यों गुरुजी? बोले महाराज गौड़िया मठ का प्रचार ऐसा है, जो गौड़िया मठ का वास्तव कथा बोलने वाले जो है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश, इसके द्वारा बद्धजीव कभी भी नाचना संभव नहीं। बद्धजीवों को वो गुस्सा हो जाएगा, क्यों ऐसा बोल रहा है, अच्छा बात नहीं बोल सकता। श्रील केशव गोस्वामी महाराज बोले, गौड़िया मठ के जो अपराकृत विचार है, अपराकृत सिद्धांत है, हरिकथा है, ये बाजार का हरिकथा नहीं है, जो आपको झुमाने के लिए, नाच नचाने के लिए कोई संत आए हैं कॉन्टैक्ट लेकर, इतना पैसा मिलेगा हम नचा के जाएंगे, आई कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट टू यू, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये नहीं है जो आपको खूब मजा दे के जाए। मजा देने वाला बहुत है, बाजार में ढूंढ लेना। गौड़िया मठ की जो कथाएँ हैं, जो विचार हैं, स्वाभाविक रूप बद्ध जीव ग्रहण नहीं कर सकते, दुखित हो जाते, धक्का लगता है। उनमें जिनका अपराध नहीं बना है तो कम से कम वो चीज को सोचना शुरू कर देगा, क्या क्या बात बोला है। लेकिन जब अपराध रहे तो उसका विरोध जरूर होगा, ये 100% पहले से ही परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद तब के जमाने से ही चल रहा है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम और भी एक मिसाल दे दें, एग्जाम्पल, क्योंकि बनावटी बात बोलने का आदत हमारा अंदर में नहीं है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद बिमला प्रसाद का नाम, बिमला प्रसाद जी का नाम पे मशहूर थे, विख्यात ब्रह्मचारी अवस्था। शिला सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर भजन करने के लिए स्वर्ग द्वार में शिला हरिदास ठाकुर का जो समाधि मंदिर प्रतिष्ठित है, इनके बगल में इस जस्ट एडजेसेंट वहाँ भजन कुटीर एक मिले हैं,
राजा मनिंद्र चंद से, वहाँ बैठ के बड़ा भारी भजन किए और विमला प्रसाद को भी साथ में लेकर भजन चल रहा था। शिला भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य चरितामृत का सुंदर व्याख्या करते थे। शिला ठाकुर का सामने बहुत सारे सहजी आदमी भी आते थे, बाबा जी लोग जो शुद्ध सिद्धांतों को मानते नहीं हैं फिर भी आते थे, शिला ठाकुर का सामने कथा सुनते थे। और भी सारे आदमी आते थे बाहर का व्याख्या सुनते थे। एक दफे शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं, विमला प्रसाद हमारा थोड़ा काम पर गया कलकत्ता में, तुम थोड़ा एक काम करना, थोड़ी ही दिन के लिए, जितना जल्दी हो सके हम लौट के आने का कोशिश करेंगे, लेकिन तुम ये कथा कीर्तन को बंद नहीं करने देना, इसको चलने देना। तो ठीक है, जो आपका आज्ञा है। शिला ठाकुर गए और विमला प्रसाद जी वैशासन में आदेश लेके बैठे और श्री चैतन्य चरितामृत का व्याख्या करने लगे। व्याख्या करते करते इतना गहरा तक जाते थे महाराज, ये पूछने का बात नहीं, जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु उदित होकर अपने मन का बात अपना सिद्धांतों को कह रहे हैं। यही सच्चा बात है। सच्चा संत महात्मा के हृदय में भगवान विराजमान होकर कथा कीर्तन को चलाते हैं, ये बात कोई झूठा नहीं है। जिन लोगों ने काफी भजन किया और जिसका भजन भगवान ने अप्रूव किया, हमने बहुत भजन दिखाने का कोशिश करे, लेकिन ठाकुर जी अगर अनुमोदन नहीं किया, दुनिया का आदमी पूरा जगत हमको जगत गुरु बोलकर उपाधि दे, हमको माला चढ़ाए, हमारा पैर को धुलाए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाकुर जी का अप्रूवल है नहीं। ठाकुर जी ऊपर से हंसी उड़ाए, बोले देखो दुनिया का हालत, जिसका नाम हमारा रजिस्ट्री खाता में एंट्री भी नहीं हुआ, उसको साधु मन के सारे आदमी पानी चढ़ा है उसका चरण में और माला चढ़ा है, करने दे, दुनिया तो ऐसा ही है, आदमी भी ठगी है और जो ठगाने का इच्छा है वो भी बैठे है, रावण भी साधु का बेस लिया था, लेकिन साधु ऐसा नहीं हो सकता। विमला प्रसाद जी का ये व्याख्या सुनकर जो लोग सहजियात उधर उपस्थित थे सारे उनका खिलाफ हो गए, इतना खिलाफ हो गए कि वो सोचे कि वो बाहर निकाले उसको कतिल कर खत्म करके समुन्द्र में फेंक देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, जो ऐसा बात बोलता है ये तो भजन नहीं जानते, वैष्णव है भजन करना चाहिए, दूसरे का दोष देखता है, पागलपंथी है। और भी एक कहानियां याद आ गया, इसका बात को पूरा करें, नेक्स्ट इंसिडेंट हम बताएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर पहुंच गए, जाने का बात देखे इतना आदमी कम है, नेक्स्ट डे जब कथा में जब पहुंचे तो देखे बहुत कम आदमी है। कथा के बाद कथा सब खत्म होने वाला था, उसी समय ठाकुर जी ने आए, मैंने भक्ति विनोद ठाकुर आके देखे जो कथा में बहुत कम लोग है। बाद में रात को क्वेश्चन किया, आज कथा में इतना कम लोग है क्यों, क्या बात है, अंदर में सोचा, कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे बोला हम आज तुम ही कथा बोलो, हम बैठेंगे, वैष्णव में ऐसा होता ही है। सनातन गोसाई रूप गोसाई ऐसा करते थे, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी
इनका सामने हरि कथा सुनते थे गोविंद मंदिर पे। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोसाई जी, कितना बड़ा ठाकुर जी का अपना आदमी, कथा सुनते थे भागवत कथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का पास। एक एक श्लोक बोलते बोलते पांच छह किस्म का सुर बोलते थे। वह हमारा माफिक नाटकबाजी नहीं है, अंतर से। अब भक्ति का एक एक श्लोक पाठ करते करते मूर्छित हो जाने का उपक्रम हुआ करता था, आंसू आ जाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था, चोक्ट हो जाता था। ठाकुर बोले, शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर बोले, हम तो अभी आए, ऐसा करो तुम आज तुम ही पाठ करो, हम बैठे, और ठीक है जो आपका आज्ञा। श्री चैतन्य चरितमृत का व्याख्या करते रहे, बहुत कम आदमी आए पहुंचे थे। उसके बाद जब पाठ खत्म हुआ, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी मंतव्य किए, अब हमारा समझ में आया क्यों इतना कम आदमी आते हैं, अब हमारा समझ में आया। आपका जो अपराकृत सिद्धांतों, कट्टर निष्ठा आचरण, इसके द्वारा आँख का मापिक जो हरिका था, दूसरे जो जिसका अंदर में बद्धजीव तो है, भजन करने का बहाना कर रहे हैं, अपराध भी प्रचुर है, वो सहन नहीं कर सकेगा। आपका जो तेज है उसको सहन करने का अधिकार नहीं है, वो विरोध करेगा। ठाकुर जी ने बोले, देखो हमारा कानों में आया, आप बाहर में जाओ के आपको मार के फेंक देंगे, तो हम लड़ाई नहीं चाहते। एक काम करो, आप ये हरिनाम का झोला तो है, आप ब्रजपत्तन में चले जाओ, गौरधाम, जिसको चैतन्य मठ बोला जाता है, अभी चंद्रशेखर आचार्य भवन, आप चले जाओ वहाँ, वहाँ जाके भजन शुरू करो। शतकोटि नाम यज्ञ एक बार नहीं, दो तीन बार किए, एक चैतन्य मठ में, एक योगपीठ में, पुरुषोत्तम धाम में जो चटक पर्वत है। ये सब महात्मा लोग अपना जो जितना सारे खून पसीना है, सारे आप लोगों का हित के लिए वितरण करते हैं, फिर भी इन लोगों का ही बदनाम ज़्यादा मिलता है। श्रील केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे, प्रभुपाद भी बोलते थे, जिनका जिंदगी का एकमात्र मकसद है दूसरे का मंगल करना, जिसका आदर्श ऊंचा है, जिसको स्पर्श करना साधारण आदमियों का बस का काम नहीं है, उनको ही ज़्यादा आक्रमण का फेस करना पड़ेगा। श्री केशव गोस्वामी महाराज जी भी बोले, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज का मंगल करे, उसको ही आक्रमण सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मकसद है हमारा जिंदगी जीवन दे के दूसरे का मंगल करके ही रहेंगे, दूसरा हमारा कोई मकसद है नहीं। माया देवी का ऐसा प्रभाव है, आप और आपका साथ आप मिलजुल जाए, इस बारे में भी बहुत सारे कथा आ जाएगा, बहुत सारे कथा आ जाएगा, काल परसों अगर कथा चलते रहे तो करेंगे। जो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, गौड़ीय मठ का प्रीचिंग का वैशिष्ट्य ये है, जो आ फ्लैटरिंग पर्सनैलिटी कैन नेवर बिकम ए प्रीचिंग पर्सनैलिटी। ये गोल्डन टाइप में हमने प्रभुपाद जी ने बताया, हम भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। गौड़ीय मठ का प्रचार वैशिष्ट्य ऐसा है जिसको समझने में करोड़ों जन्म लग जा सकता, कोई सियोरिटी नहीं है, उसका बात भी वो समझे कि नहीं समझे। बात ये बनता है जे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेज दिया उधर प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी ने हरिभजन किए, वहाँ भी उसका मकसद एक ही था। जो भी है, दूसरा एक कहानी बताना चाहा, अभी भूल गया क्या कहानी,
एक दूसरा कहानी बताना चाह सुंदर। तो प्रचार का जो विषय है, जो अगर हमारा समझ में आ जाए गौड़ीय मठ का प्रचार, तो हम भजन करके ही रहेंगे, भजन हमारा छूट नहीं सकता। बद्ध जीवों का अनुगत करने से हमारा बद्ध दशा मिलेगा, मुक्त पुरुषों का अनुगत करने से हमारा मुक्त अवस्था मिलता है। ये नियम है, किसका अनुगत तो अल्टीमेटली कर रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसका उत्तर देने से समय लग जाएगा। सपोज करो कि हमारा गुरुजी नित्य सिद्ध महात्मा है, जिसका ऊपर जुमा देखे रखे हैं, वो बद्ध जीव हैं, गुरु वैष्णव को लूटना चाहते हैं। किसी ने शिकायत भेजा मथुरा मठ से श्रील बामन गोस्वामी महाराज का पास, महाराज ये ऐसा ऐसा करता है, प्रमाण है महाराज, हम क्या करें, इसका अनुगत करें। पोपात का समय में भी ऐसा हुआ था, हमारा जितना सारे चीज है आपका हाथों में देंगे, प्रणाम आपका चरणों में डाल देंगे। पोपा जी ने बोले देखो अनुगत्य का धारा ये है, वो गलती करे तो आपका दोष नहीं लगेगा, आपको गुरु वैष्णव का आदेश के द्वारा आपको आदेश पालन करना है। आपको दोष देखने आप जाओ तो मुश्किल हो जाएगा, पहुंचा हुआ संत है, वो शासन करने वाले होते हैं, वो करेगा क्योंकि वो परमहंस अवस्था है, शासन हर आदमी कर नहीं सकता। बद्ध जीव शासन करने जाए तो उसका और बंधन डबल हो जाएगा, कर नहीं सकता। जिसका अंदर में हिंसा है, वो हिंसा का भी बहुत सारे विभाग है, कैसा कैसा हिंसा, जीव हिंसा, जीव हिंसा का एक एक बात सुनोगे चौंक जाओगे, जिंदगी में सुने नहीं हमने, अरे सचमुच सुने नहीं। हमारा पास सच्चा खबर है, सिद्धांतों का खबर विचार हमारा पास है। हमने अगर हमारा सामने जो उपस्थित है उसको नहीं बोला, उल्टा बोल दिया अपने को बचाने के लिए, तो हमारा जीव हिंसा हो गया। सच्चाई को हमने पेश नहीं किया, जो गुरु प्रभुपाद सब सब हमारा सामने गुरुवर को जो बात बोले हमको, उसी सिद्धांतों को छुपाकर अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपना पोजीशन के लिए, अपना सुविधा के लिए थोड़ा घुमा के सिद्धांत तो बोल दिया, बस हो गया हमारा जीव हिंसा हो गया। सच्चाई को नहीं बोलना जीव हिंसा है, बोल दो चाहे उसको बड़ा कठिन लगे, लेकिन वो अगर भजन चाहे तो कर लेगा, उसका लिए चिंता मत करो, वो करेगा। भजन क्यों नहीं हो रहा है, इसका उत्तर ही दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है आपका शायद, क्योंकि कठिन बातें हम नहीं बोल रहे हैं अभी। रूपनगरी रोपर में जो हमने उत्तर दिया था, वहाँ बाहर का पंजाब किशोरी का रिपोर्टर सब उधर उपस्थित थे, हमको पता नहीं था। बात ये है कि हम लोग गोलोक धाम का पियोन है, पोस्टमैन, गोलोक धाम से जो मैसेज आए हैं हमारा पास गुरुवर्गो का माध्यम, उसी चिट्ठी को आपका सामने देने के लिए हम आए हैं आपका दरवाजे पे। महाराज आपका लिए वार्ता है, अपराकृत वार्ता है, ये आप सुनो, ये ले लो, आपका ही चिट्ठी है। ये चिट्ठी का अंदर कोई कठिन बात रहे, हृदय को थोड़ा ठेस पहुंचाने वाला कुछ बात पैदा हो गया तो वो भी बद्ध जीव का तो स्वाभाविक ठेस पहुंचना, लेकिन उसमें पोस्टमैन का कोई दोष है नहीं, क्योंकि पोस्टमैन तो चिट्ठी देने के लिए आए हैं, चिट्ठी का अंदर कोई मैसेज ऐसा रहे कि आपको धक्का लगे तो उसके लिए पोस्टमैन को पिटाई करो, ये आपका बुद्धिमानी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पोस्टमैन का काम है जाओ
नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश किए हैं, जो जाओ घर घर में जाओ, ये सब बातें बोलो। दक्षिण भारत में भी विप्रो को ऐसा बताए थे, अमार आज्ञा गुरु होया तारो ई देश, ये शब्दों का भी बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है। ये शब्दों को उठाकर असुर लोग बोले, देखो चैतन्य महाप्रभु बोला तो हमने गुरु हुआ तो क्या नुकसान हुआ, ये लोग सुना ही नहीं, कभी अनुगत तो किया नहीं। गुरु वैष्णव का अनुगत तो वास्तव करते, असत्संगो नहीं होता, मन में कोई दूसरा भावना नहीं होता, अन्नाभिलाष नहीं होता, तो गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो समझने में देर नहीं लगता, बिल्कुल समझे नहीं, लेकिन ये शब्दों को उल्टा सीधा करके ऐसा व्याख्या करते हैं कि मानो कि वो छोड़कर दुनिया में कोई गुरु है ही नहीं, वो उसको ही चैतन्य महाप्रभु बोल के तू गुरु बन जा। शब्दों का माने ऐसा नहीं, कभी हम चर्चा करेंगे, हम भूलेंगे नहीं। आप थोड़ी सी समय में इसका उत्तर दे दे, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, जो लोग एडुकेटेड है उसको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता है। यहाँ तक कि मठ में वास करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव का सामने सब रहते हैं और भजन नहीं बन रहा है, दिल टूट रहा है, ऐसा कैसे। इसमें हम एक उदाहरण दिया था, जिन्होंने एडुकेशन किया है हायर एडुकेशन वो लोग जानते हैं, कभी कभी नौकरी का जो एग्जामिनेशन चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चलता है, बैंक का एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन, विशेष करके बैंक का, आजकल तो हर जगह ऐसा हुआ। यूएसए में जो पद्धति है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब बॉक्स रहेगा उसमें ये क्वेश्चन है, उसका बाद आंसर भी दिया हुआ है 2-10, उसमें कौन सही है उस बॉक्स में टिक मार्क लगाना है आपको। ऐसा करते करते जाओ तो एग्जाम का जो समय खत्म हो गया उसका अंदर में जो आपका आंसर देने का सुविधा मिला, तो उसमें जो उत्तर आपने दिए हों, इस एग्जाम में एक काइंड का कंडीशन रहता है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर दो तो आपको एक एक नंबर करके मिलते रहेगा, माइंड इट। एक क्वेश्चन का आंसर किया तो एक मिलेगा, दो नंबर क्वेश्चन का आंसर किया तो 1+2 मार्क हो गया आपका, दो हुआ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने बिना जाने किसी बॉक्स में टिक लगा दिया, मार्क लगा दिया, वो गलती है, तो आपको पेनल्टी हो जाएगा। समझा मेरा बात? पेनल्टी मतलब एक नंबर मिल रहा था, आप तो दो नंबर अभी तक किया है, दो मिनट में उसमें एक हुआ, दो हुआ, दो नंबर मिला, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपने क्या किया, गलत कर दिया, तो दो नंबर माइनस दो नंबर जीरो हो गया। समझा मेरा बात? तो ऐसा 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 50 मार्क आपने सही मार्क दिया, अब 50 मार्क आपने गलत दिया, तो उसमें 50 नंबर आपको मिलना था लेकिन पेनल्टी 50 हो गया, उसमें 50-50 जीरो हो गया। समझा मेरा बात? हम और एक उदाहरण देते, बच्चा लोग लूडो खेलते हैं, लूडो जानते हो, जिसमें सांप रहता है, सीढ़ियां रहते हैं, कई 1-2-3-4 बोल के, बचपन में एक दफे जोर जबरदस्ती हमको भी बैठाया था, हमने बोले क्या खेल है महाराज, इतना कसरत करके 99 तो गया फिर 0 में आ गया, हम नहीं खेलेंगे सब, हमारा फुटबॉल ही ठीक है इसमें हम ऐसा नहीं खेलेंगे, इतना कसरत किए घंटा भर, फिर बाद में जाके 0 में सांप का मुख में गिर गया, फिर 0 में आ जाओ, अरे हार गया हमने, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा भी होता है, जो मठ में भजन करने के लिए आए हैं, शुद्ध वैष्णव रहे, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये हैं,
सुबह में उठकर वो शुद्ध वैष्णव का दर्शन होते रहेंगे, उसका प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, कभी डांटेगा कभी प्यार करेगा। ये समझना मुश्किल है वैष्णवों का भाव। ठाकुरदा बोल के एक वैष्णव रहते थे प्रभुपाद का गण, श्री चैतन्य गौरिया मठ में शिला भक्ति देवी तो माधव गोस्वामी महाराज और हमारा गुरु महाराज का साथ रहते थे, एक जगह ही भजन करते थे बाबा जी महाराज। कीर्तन आरत कीर्तन जब शुरू हो उसका 10-15 मिनट पहले आंखें खराब हो जाएगा कि ठाकुर जी का कीर्तन अभी शुरू होगा, और तन भन धन लगा के एकदम कासर लेके एकदम खड़ा, कब खुलेगा पड़वा। ठाकुर जी को दंडवत करे प्रेम के द्वारा, जैसे कि वृंदावन में राधा गोविंद और गौरांग महाप्रभु का धाम में गौर हरि का आरती चल रहा है, साक्षात अनुभूति इसका जो फीलिंग्स है। और शुरू कर दिए भाले गोरा गदाधर बोल के, इतना सुंदर कि मीठा कीर्तन, जो सुने वो झूम जाएगा, उसका दिल में थोड़ा असर पड़ेगा। फिर कोई लड़का ऐसा है उसका एब्सेंट माइंड है, वो उसको कीर्तन में कोई कीर्तन दोहार देना उसका संभव नहीं, वो जानते नहीं है और भक्ति भी नहीं है, उटपटांग बुद्धि है, चंचल है, वो करताल लेके ठोकना शुरू करते। बाबा जी महाराज ऐसा ताल के गा रहे, वो ठक ठुक ठक ऐसा कर दिया, महाराज का अंदर में बड़ा दुख पहुंचा, हमारा सेवा एकदम विनष्ट कर दिया। बोल के क्या किया, बोले अपना जो ये घन डंडा उसका ऊपर भग, यहां से सेवा को खराब कर दिया, भग यहां से। उसके इधर धक्का लगा, वो बोले क्या महात्मा हमको धक्का दे दिया ऐसा, अरे क्या गलती किया। जड़ जगत भी तो बोलेगा क्या गलती किया हमारा, ठीक ही तो किया। जड़ जगत का विचार सुनेंगे कि महात्मा का विचार सुनेंगे, कौन सी विचार सुनेंगे। फिर कीर्तन का बाद महाराज जी घर में जाने का समय, पुजारी ने मिठाई और सब फल फूल दे दिया, उसके घर में लाख रख लेते तो वैष्णव लोगों को बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन झांकी मर के देखो तो खाता नहीं, लाया ले आता है थोड़ा लेके सब दे देते हैं। आदमी सोचता है कि इतना खाते हैं, नहीं जितना भी दिया जाओ बांट देते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते। तो महाराज जी पोसात नहीं पाया, बड़ा आंसू आया, जो लड़का को डंडा फेंका बोले उसको ले आ मेरा सामने, उसको ले आया गया, उसको सर पर हाथ देकर सामने बैठाया, बेटा तूने दुखी तो नहीं हुआ, तू मेरा अंदर समझा नहीं, मंदर का भाव, जितना कीर्तन हम ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए कीर्तन कर रहा था, इसमें तेरा उटपटांग जो भावना है, चंचल भावना ऐसा ठोकने, उसमें ठाकुर जी का सेवा का नुकसान हुआ, इसलिए हम ये हमारा काम का क्रोध नहीं था, मेरे को गलत नहीं समझा, बाप प्यार से जितना अच्छा अच्छा मिठाई आया तू मेरा सामने बैठ के खा ले, ना बाद में खा लूं ना मेरा सामने खा ले, तब मेरा हृदय का संतुष्टि हो। आज भी ऐसा हुआ जे ये 6:30 बज गया उठता नहीं है, हमारा भूखा रहा, हम डंडा लेके उसको पीटना शुरू कर दिया घर खोल के, और डर के मारे एकदम पीटना शुरू किया, भाग यहां से। ते भी मेरा प्रेम का था, प्रेम का। एक कहानी और बता दे जो भूल गया था, इसमें आपका अंदर का जो कॉन्शियसनेस चेतना और बढ़ जाए, यही मेरा विचार है। क्योंकि भजन क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर ये है, चेतना जितना डिग्री में बढ़ते चले तो आपका भजन उसी डिग्री के अनुपात बढ़ेंगे जरूर। एक दूसरा घटना हम सुना दे, थोड़ा देर पहले भूल गया था बोला, शिला सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद में थे, उस समय कृष्णनगर में, कृष्णनगर सिटी है नवद्वीप का नजदीकी है, ज्यादा दूरी नहीं है, वहां उनके पोस्टिंग लगा हुआ था, और सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जाने माने पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने अपना जिंदगी का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी भजन में लगाने का कोशिश के भजन में लगाए, यही टेक्निक है वैष्णवों का। वैष्णव बुखार है, बीमारी है, पड़ा हुआ है, उसमें भी भजन चलता है,
हमारा स्वस्थ है, बहुत खाते हैं पीते भी कीर्तन भी करते हैं, हमारा वजन नहीं बनता, क्योंकि हमारा मकसद भगवान गुरु वैष्णव का संतुष्टि विधान करना नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जाने माने पर्सनैलिटी थे और है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इसलिए नवद्वीप से एक बाबा जी महाराज थे जिनका दिल में शुद्ध भक्ति का पता था भक्तिविनोद ठाकुर का, तो उन्होंने रोज डेली दो एक केस फाइल करने के लिए कृष्णनगर जाते थे। अब बोलते थे नवद्वीप में उस पर ऐसा ऐसा होता है, ये केस फाइल करते थे रोज, प्रायः एक दो दिन बाद नहीं, कभी कभी जाते थे एक दो केस लिखाने के लिए, ऐसा ऐसा कर रहा है उधर। सब टीम बनाकर गए, ये बदमाश है, वैष्णव नहीं है, सब कोई का दोष देखते हैं, इसको छांट देंगे हम। शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी का पास पहुंचे और बोले, महाराज इसका कोई काम नहीं है, रोज एक एक करके दो एक केस फाइल करने के लिए आता है, तब इसको सुनना मत इसको। शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला, ये जो केस फाइल करने के लिए आ रहा है मेरा पास, यही भजन कर रहा है असली, क्योंकि आप लोग जो बदमाशी कर रहे हो भक्ति का खिलाफ, इसको सहन नहीं होता, आपका माला करना एक घर में बैठ के रात से, ये भजन नहीं है, क्योंकि ये गौरहरि का मन का अभिष्ट का अनुकूल है, जाओ हमारे पास से जाओ, आपका भक्ति नहीं हो रहा है, जाओ आप, यही भक्ति कर रहा है। बहुत सारे चीज बताने का है, लेकिन महाराज जी दो शब्दों के द्वारा आपका मंगल कर दे, इसलिए मैं अपना वाणी को यहाँ ही विश्राम देना चाहूँ, ये चर्चा को आगे भी चलाएंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वैश्यपति।